रीवा से डोमरिंगा फोर लेन सड़क बनाई जा रही है, सड़क बनाई जाती है आम आदमी की सुविधा के लिए, लेकिन ये सड़क आम आदमी की परेशानी का कारण बन रही है। जिस जगह बस्ती नहीं है वहां तो चलिए ठीक है, जिस जगह पर बस्ती है जैसे गोविंदगढ़, जैसे ही अंदर प्रवेश करो वहीं पर वार्ड 8 की हम बात कर रहे हैं, सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए, यही नहीं नल कनेक्शन काट दिए गए, पाइपलाइन सुधारने के नाम से उसको जोड़ने वाला कोई नहीं। हमने पूरे मामले में वार्ड 8 के पार्षद से भी बात की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रीवा से गोविंदगढ़ फोर लेन सड़क बन रही है, गोविंदगढ़ जहां बस्ती है वहां पर इस सड़क की वजह से आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कें बनाई जाती है आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उसकी दिनचर्या बेहतर करने के लिए, लेकिन गोविंदगढ़ के वार्ड 8 में कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। जगह जगह अव्यवस्थित रूप से गड्ढे खुले छोड़ दिए गए, इनको व्यवस्थित करने के लिए कोई भी एजेंसी सामने नहीं आ रही। ये बड़े गड्ढे कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, यही नहीं पाइपलाइन सुधार के नाम पर नल उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए, अब उनको दोबारा जोड़े कौन, बड़ा सवाल नगर सरकार से ग्रामवासियों का ये भी है, जिसकी वजह से पेयजल जैसी समस्या से आम आदमी को जूझना पड़ रहा है। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई, ऐसा ही एक बड़ा गड्ढा वार्ड नंबर 8 अंतर्गत हम आपको आपके स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जहां से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, ग्रामवासी तो परेशान हो ही रहे हैं। इस बारे में हमने वार्ड 8 के पार्षद अवध प्रकाश मिश्रा से बात की, उनका कहना था वर्तमान में नगर सरकार पूरी तरह व्यवस्था देने में नाकाम, यह उनकी साठगांठ का परिणाम। सड़क प्रबंधन भी लोगों की समस्या से नाता तोड़ चुका है, जनप्रतिनिधि भी इस ओर आंख बंद किए हुए हैं। आम लोगों का आरोप है सत्ताधारी दल की इसमें मिली भगत है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह उनकी ही पार्टी के लोग, फिर भी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। हमने कुछ लोगों से बात की, साथ ही वार्ड 8 के पार्षद अवध से भी बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। वार्ड का पार्षद होने के कारण हमने कई बार नगर पंचायत, MPRDC कंपनी और सड़क निर्माता कंपनी के विरोध में आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार उनकी ओर से उपेक्षा की जा रही है, यहाँ तक कि यहाँ के विधायक, नगर पंचायत के अधिकारी, अध्यक्ष, कोई भी इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन भी इसकी लगातार अनदेखी कर रहा है। लगातार 3 महीने से यह समस्या लोगों को सामने आई, कभी जाम लग रहा, कभी पानी की समस्या है, कभी दुर्घटना हो रही है, गड्ढे खोदकर खुले छोड़ दिए गए हैं, जगह जगह से नल पाइप टूटी हुई है। इस उदासीनता के कारण लोगों के मन में असंतोष और आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। खोद कर ये कंपनी चली जाती है, आप लोगों को इससे क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो आवागमन हमारे घर तक का जो है तो बाधित, दूसरा पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और जो है तो ये पाइपलाइन जो है तो एक महीने से पिछले जो है तो इसी तरह खोदी हुई है, आए दिन जो है तो पानी की समस्या हो रही है। नगर पालिका से संपर्क किया गया है, इंजीनियर से संपर्क किया गया, उसके बाद भी उनका वही रवैया रहता है कि बस टाल देना टाल देना। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इससे दुर्घटना हो सकती है, हैं पानी की समस्या बनी हुई है, तो इसका जल्द से जल्द जब तक जो है तो निराकरण नहीं होगा तब तक जो है तो ये समस्या बनी रहेगी। बोली समस्या सब देखी नहीं, तो मैं जाम लागत, तो मैं बने गिरत, तो मैं
रोड में बहुत समय गड्ढे या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कितने दिन से ऐसी समस्या? अरे एक एक हो गया, अपने पूछो जब से रोड बने लगे जब से ये परेशानी भोग पड़ रहा है। कितने महीने हो गया? महीना दो महीने तो वहीं को होगी, बहुत कोई सुनने वाले नहीं है, ना ठेकेदार सुने, ना थाना पुलिस सुने, ना कोई सुने, नगर पंचायत ना नगर पालिका सुन दिया, क्योंकि वो नगर पालिका कहती हमसे मतलब नहीं है, ओके लगे जाती वो कहा हमसे मतलब नहीं, कहा पता कैसे मतलब है खुद समझ में नहीं पा रहे हैं। प्रशासन करवा लग प्रशासन करवा लग ठेकेदार कर रहा कहा जाने। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे। We'll be right back.